हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस मैजिक टेस्ट पे, जहाँ पर अगेन हम आपके लिए लेकर आए हैं नवरात्रि स्पेशल बहुत ही टेस्ट और क्रिस्पी रेसिपी। बनाने जा रहे हैं आपके लिए साबूदाना वड़ा। साबूदाना वड़ा आपने बहुत बार बनाया होगा और खाया होगा, लेकिन आज हम कुछ डिफरेंट बनाने जा रहे हैं। आज हम इसे बनाने जा रहे हैं मोटी साबूदाना से, हमने इसमें मीडियम वाला साबूदाना यूज़ नहीं करा है। ये रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। इसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने 1/2 kg बॉइल्ड आलू लिए हैं। आलू को हमने उबाल के थोड़ा ठंडा कर लिया है और यहाँ पे हमने बिल्कुल बारीक वाला साबूदाना यानी मोटी साबूदाना लिया है, जिसे हमने अच्छे से वॉश कर लेना है। एक बार इसे हमें भिगो के नहीं रख रहे हैं, बस बिल्कुल अच्छे से इसे वॉश कर लिया है और मिक्सी जार में डालकर एक बार इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। इसका पाउडर नहीं बनेगा क्योंकि हमने इसे वॉश करा है तो पानी की वजह से, लेकिन ये दरदरा सा हमारा हो जाएगा और वही हमें यहाँ पे चाहिए। 1/2 kg बॉइल्ड आलू के लिए यहाँ पे हमने करीब 120 ग्राम मोटी साबूदाना लिया है। बहुत ही टेस्टी बनेगा इससे। मीडियम वाले साबूदाने से आपने बहुत बार बनाया होगा, पर इससे एक बार बना के देखिएगा, बहुत ही गजब के लगते हैं। गरम आलू में हमें इन्हें मिक्स नहीं करना है। आलू जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा, उसकी स्टीम अच्छे से निकल जाएगी, उसके बाद उन्हें हम फोड़ लेंगे, मैश कर लेंगे और अपना यहाँ पे हम साबूदाना मिला देंगे। साथ में यहाँ पे हम मिला देंगे बारीक कटा हुआ धनिया। मसाले जो आप खाते हो वही आप यहाँ पे डालिएगा। यहाँ पे मैंने मसालों में लिया है काली मिर्च का पाउडर 1/4 चम्मच, आधी चम्मच करीब यहाँ पे मैंने लिया है भुने हुए जीरे का पाउडर और आधी चम्मच करीब ही यहाँ पे मैं ले रही हूँ सेंधा नमक। ये रेसिपी ऐसी है, आप चाहे तो कभी भी इसे ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, लेकिन आज हम स्पेशली इसे बनाने जा रहे हैं व्रत के लिए, तो उसी के मसाले हमने यहाँ पे डाले हैं। मसाले वैसे इसमें कम ही अच्छे लगते हैं, इसलिए आप अगर नॉर्मली भी बनाएं तो हल्के ही मसालों के साथ इसे बना कर देखिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। 1 चम्मच यहाँ पे हमने डाल दिया है नींबू का रस और यहाँ पे मैंने डाल दी है कटी हुई मिर्च। फ्रेंड्स, ये मेरी फ्रेश हरी मिर्च है जो थोड़ी लाल हो जाती है रखे रखे, तो यानी ये फ्रेश लाल मिर्च है जो यहाँ पे मैंने कट करके डाली है। आप चाहें तो जो सूखी लाल मिर्च आती है उसका भी आप यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए, सभी मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। हाथ पे हल्का सा घी लगा के हम उसे ग्रीस करेंगे और इस तरह से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेते हुए हम इन्हें बनाने जा रहे हैं। वड़े की शेप देने के लिए यहाँ पे हमने बीच में एक होल कर दिया है। आप चाहें तो बिना होल करे भी इसे बना सकते हैं, लेकिन होल करने से क्या होता है ना, ये अच्छे से सिक जाते हैं। बीच वाला पोर्शन होता है वो भी बहुत अच्छा टेस्टी क्रिस्पी हो जाता है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे चाहें तो दरदरी किसी भी मूंगफली भी डाल सकते हैं, पर आप इसे ऐसे ही बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आलू और साबूदाने का अपना टेस्ट बहुत अच्छा निकल कर आता है। मूंगफली डालने से कहीं ना कहीं आलू और साबूदाने का फ्लेवर दब जाता है। केवल मूंगफली की ही जो हमारा अरोमा होता है और जो मूंगफली का टेस्ट होता है वही मेन हो जाता है। चलिए, इस तरह से बस करते हुए हमें हमारे सारे वड़े तैयार कर लेने हैं। दूसरी तरफ फ्रेंड्स, मैंने तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। जब तेल हमारा अच्छा मीडियम गर्म हो जाएगा तो उसके बाद हम एक एक करके हमारे सारे वड़ों को इनमें छोड़ते जाएंगे। एक साथ ज़्यादा नहीं छोड़ने, जितने एक बारी में हमारी कढ़ाई में आ जाए या जितने आप हैंडल कर सकें उतने ही हमें इसमें छोड़ने हैं। यहाँ पे मैं चार चार करके छोड़ रही हूँ। गैस हमारी मीडियम फ्लेम पर है, मीडियम फ्लेम पर ही हमें इन्हें डालने हैं और मीडियम फ्लेम पर ही इन्हें हमें अलट पलट करके सेकना है। एकदम डालते ही मत पलटिएगा, 1 या 2 मिनट के लिए रुक जाना है जिससे कि अच्छे से नीचे से क्रिस्पी हो जाए, उसके बाद इन्हें पलटना है। एक साथ पलटने से इनके फटने का चांस ज़्यादा रहता है, और अगर आप 1 या 2 मिनट रुककर जब इन्हें पलटेंगे तो अच्छे से नीचे से रेड होकर क्रिस्पी भी हो जाएंगे और साथ के साथ इनके फटने का चांस बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा। बस इस तरह से करते हुए हमें इन्हें पलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा और वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप इन वड़ों को व्रत की चटनी के साथ, दही के साथ सर्व करिए, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारे एक अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं दोनों ही तरफ से और बहुत ही क्रिस्पी भी हो गए हैं। गैस पूरे प्रोसेस में इतने ही अच्छे से सेक नहीं गए, मैंने मीडियम फ्लेम पर ही रखी थी, मीडियम फ्लेम पर ही इन्हें डाला था और मीडियम फ्लेम पर ही इन्हें सेक लिया है। बिल्कुल भी तेल नहीं भरता है इन वड़ों में और खाने बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमारे वड़े सर्विंग के लिए तैयार हैं। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। जय माता दी।